असलम एप्पल नाम में खुश आमदीद यह है शामी का को फोन एफ थ्री का रिव्यू एंड सीधी सी बात यह है कि यह एक मिड रेंज प्राइस में फ्लैगशिप फोन है तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इन टू द रिव्यू तो लेट्स स्टार्ट विद द बिल्ड क्वालिटी एंड फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम वेरी सॉरी मैंने बहुत सर्च किया था पहले मगर फिर भी मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई और मुझे लगा कि इसकी जो बैक है वो प्लास्टिक की है और जब मैंने वीडियो में बात बोली है तो आप लोग यू इज़ वेर फास्ट एंड थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो कि ये असल में ग्लास बैक है और यकीन माने बहुत सॉफ्ट मैट फिनिश है और इसे हाथ में पकड़कर मुझे सेम आई फोन इलेवन प्रो जैसी फील आती है इसके फ्रंट और बैक पर कॉर्निंग का घुरा ग्लास फाइव है इस प्राइस में इस बैग को देखना भी बहुत अच्छी बात है इसका जो फ्रेम है वो प्लास्टिक है वैसे तो लेकिन इस प्राइस रेंज में ये बात आम सी है और मगर सच कहूंगा कि इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता इवन फॉर अ पर्सन लाइक मी जो कि आई 11 इलेवन प्रो यूज करता रहा है अगर हम इसके डिजाइन की बात करें तो मैं कहना चाहूंगा कि ये फोन बहुत खूबसूरत है और स्पेशली इस वाइट कलर में मैं तो कहता हूँ ये नेक्स्ट लेवल है मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस प्राइस रेंज में स्पेशली कि ये फोन वैसे इतना ज्यादा खूबसूरत होगा और यकीन माने जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी तो मैं लिटरली पांच मिनट तक इस फोन की पैक को देखता रहा था वो वैसे मैंने वीडियो में काट दिया था लेकिन अगर मुझे यही डिजाइन एक लाख वाले फोन में भी मिले तो मैं खुश खुशी खुशी रख लूंगा फ्रंट पर हमें सिर्फ एक पंच होल डिस्प्ले मिलता है इसकी जो नीचे चेन है वो भी बहुत नॉर्मल से साइज किया है आपको इतना ज़्यादा तंग नहीं करती मगर मैं फिर से कहूंगा कि कोई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नहीं है फ्रंट से मगर डिस्प्ले अच्छा होने की वजह से आप इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इस प्राइस में आपको इससे ज्यादा खूबसूरत फ़ोन नहीं मिलेगा और फ्लैगशिप वाली फ़ोन की लुक जरूर आती है अगर हम बात करें इसके डिस्प्ले की तो इस फोन में है सुपर एमोलेट फुल एच डी प्लस वन टवेंटी हर्ट्स का डिस्प्ले बट वेट अभी एक ऐसा फीचर है फॉर यू पबजी फ्री साउथ इस फोन में कि इसका जो थ्री सिक्सटी हर्ट्स का टच सैम्पलिंग रेट है यकीन माने अभी तक मैंने इससे ज्यादा रिस्पॉन्सि फ़ोन यूज़ ही नहीं किया इसकी कलर रिप्रोडक्शन जिसके ब्लैक्स और इसका कंट्रास्ट और हर चीज इतनी खूबसूरत है कि स्पेशली इसका बैटरी स्मूथ होना मैं कहूंगा कि यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इस प्राइस रेंज में मुझे एक फोन यूज़ करने में इतना ज्यादा मज़ा दे रहा है वन ट्वेंटी इस प्राइस में स्पेशली बहुत ही ज्यादा स्पेशल फीचर है एंड इट मेक्स एवरी ऑन द फोन मोर इन्जॉयबल इसके डिस्प्ले से भी मुझे कोई खास शिकायत तो नहीं है बल्कि ये एक मेन रीज़न थी मुझे मेरे लिए इस फोन को खरीदने की और इसका डिस्प्ले इज रियली वन ऑफ द बेस्ट आउट आउटदेयर खाली इस प्राइस में ही नहीं बल्कि वैसे इसका डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छा आपको इससे क्या ही शिकायत हो सकती है इसका डिस्प्ले इस ब्राइट इनफ के इजिली यूज किया जा सकता है आउटडोर भी और आपको कोई तंगी नहीं होगी इस फ़ोन की एक और ज़बरदस्त बात यह है इसमें स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर है जो कि लास्ट ईयर के स्नैपड्रैगन 865 का ही एक बेहतर वर्यन है और ये उससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर है स्पेशली इन ग्राफिक परफॉर्मेंस क्योंकि ये 20 परसेंट तक आपको इंप्रूवमेंट देता है और मैंने इसको एज़ अ डेली ड्राइवर भी यूज़ किया है और अभी तक मुझे इससे इसकी परफॉर्मेंस ज़ीरो प्रॉब्लम हुई हैं और ऐप रीलोड नहीं हुई अभी तक किसी ऐप पे लैग नहीं हुआ और ये बहुत अच्छी बात यह है कि मुझे एक मिनट के लिए भी नहीं लगा कि मैं एक फिफ्टी सिक्स थाउजेंड की प्राइस वाला फोन यूज़ करूँ जहाँ पे बाकी सारे फोन तकरीबन दो लाख को टच हैं मैंने इसमें गेम्स भी खेली हैं और मुझे कोई हिकअप्स नहीं मिले पबजी ने ईजी नाइनटी एफ पी एस दिए हैं और मेरे मेरा ख्याल है अपडेट करने के बाद शायद इससे भी ज्यादा आपको एफ पी एस मिल जाए बात अगर परफॉर्मेंस की हम कर रहे हैं और कैमरा की तरफ जा रहे हैं तो मैं बात करना चाहूंगा कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी की जिसने एक कंप्यूटर पावर को और एक हार्डवेयर जो कैमरा होता है उसको मिक्स करके हम एक नई किस्म की फोटोग्राफी दी है जिसमें हमें ज्यादा चीजों को कुछ नहीं करना पड़ता और एक छोटी सी डिवाइस आपको इतना अच्छा रिजल्ट देती है जो पुराने कैमरास दे ही नहीं सकते थे सो so, इसके प्रोसेसर की वजह से पिक्चर्स बहुत ही शानदार आई और जहाँ ए प्राइस के फ़ोन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं इस फ़ोन ने यहाँ भी नहीं किया तो कैमरे की बात करें तो इसमें तीन कैमरास हैं और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा कैमरा सेटअप है सारे के सारे कैमरास बंदा यूज़ करता है इसके तीन कैमरास में से एक है वाइड एंगल का कैमरा जो कि 48 मेगापिक्सल का है जिसकी मुझे कलर रिप्रोडक्शन एच और शार्पनेस सारा कुछ ऑन पॉइंट लगा बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मेरी जितने भी पिक्चर्स दिए हैं उन सब ने मुझे बहुत खुश किया एक टाइम में तो मुझे ऐसा लगा कि ये पिक्जल है और मैं बहुत ही खुश था अगर इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात करें तो वो भी मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि इसकी जो कलर रिप्रोडक्शन थी वो वाइड एंगल जैसी थी और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था और इसने मुझे लो लाइट में भी बहुत खुश किया और दूसरा जो मैं एक बात करना चाहूंगा कि इसकी जो पिक्चर्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा एच उनका ऑन पॉइंट था और शार्पनेस भी ऑन पॉइंट थी इसका जो सुपर मैक्रो लेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आप उसको फ्री टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इसकी बात मैंने अपने नोट टेन प्रो के रिव्यू में भी की थी क्योंकि उसमें भी सेम कैमरा दिया गया था और इस टोटल कैमरा सेटअप की एक और आखिरी ऐसी बात है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि पाकिस्तान में इस लोग इस बात को ज़्यादा लोग नहीं जानते आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन का कैमरा दो या तीन गुना बेहतर कर सकते हैं जस्ट बाय इंस्टॉलिंग जी कैम जी कैम इज़ बेसिकली पिक्जल वाला कैमरा और उसकी प्रोसेसिंग और वो किसी भी एंड्रॉइड फोन में पोर्ट की जा सकती है तो मैंने इसमें जब जी कैम इंस्टॉल किया जो कि आप कर सकते हैं तो इसकी पिक्चर्स में पंचीनेस मिलती है मतलब एंड हो गया मुझे तो बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल वाला कैमरा मिला है और मैं कहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बात है यार जहां पे आपको बॉक्स पैक आपको ऐसे ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं जो कि आपको बाकी फोन में अगर आप ढूंढते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्राइस देनी पड़ती है और आपको कैमरे में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा सो येस इट्स अ वेरी गुड चीज़ इन एक्स्ट्रा स्टाफ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इसके स्पीकर मुझे काफ़ी ज्यादा लाउड लगे जो कि मेरी एक शिकायत थी नोट एन प्रो के स्पीकर से और साथ ही साथ मुझे ये इसकी जो वाइब्रेशन मोटर है वो भी नोट एन प्रो से बहुत ज़्यादा बेहतर लगी क्योंकि ये दोनों वो चीज़ें थी जिनमें मैंने नोट टेन प्रो के रिव्यू में पॉइंट आउट किया था और हाँ जी अभी तक मुझे इनमें कोई इशू फेस ही नहीं हुआ अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो मैं कहना चाहूँगा कि इस फ़ोन की बैटरी चार हज़ार पाँच सौ बीस मिलियन पावर की है और मेरे यूजेज के मुताबिक मुझे मुश्किल से एक दिन की बैटरी ज़रूर इसने दी है वन ट्वेंटी हर्ट चलता था और डुअल सिम के साथ और जिसमें फोर जी बी मेरा तकरीबन हर जगह चल रहा था लेकिन मैं ये कहूँगा कि नोट टेन प्रो जब मैंने यूज़ किया था तो उसकी बैटरी है पाँच हज़ार बीस मिलियन पावर की और मुझे वो ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि जब भी मैं उस फ़ोन को लाइक रात में सोने लगता था तो उसमें 30 परसेंट के करीब बैटरी बाकी रहती थी और यह बहुत अच्छी बात है इसमें अक्सर ऐसा होता है कि तकरीबन तो फ़ोन डेड होने वाला होता है या कभी कभी मुझे जो है आठ नौ बजे के करीब या दस बजे के करीब इस फ़ोन को रिचार्ज करना पड़ता है क्योंकि ये दस परसेंट आ जाता है और मुझे पता होता है कि अगर मैंने इसको तो रिचार्ज ना किया तो मुझे तंगी होगी यस yes, मेरे मुताबिक ये फ़ोन एक फ़ुल फ्लैज फ्लैगशिप फ़ोन है एंड हमें इस फ़ोन को स्पेशली इस प्राइस में लेकर यूज़ करने तक कोई ख़ास कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं पड़ता ये वाला फ़ोन लेना एक अच्छा और एक अक्लमंदाना फैसला होगा और अगर आप इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो ज़रूर इस कार्ड पर क्लिक करें